नमस्कार मणिभोजकु स्वागत विस्मय प्रथम हेडलाइंस नयागढ़ परे बालेश्वर खेलुवा समय पुणी जड़े नाबालिका निखोज सुंदर कोइली गाँव सात वर्ष नाबालिका विष्णुप्रिया तीन दिन पर भी मिलुनि पता पुणी विवाद रे अरुण बोथरा सत होते सांघातिक परिहत्या घटन छात्र को पांच लक्ष प्रलोभन लोभ अभियोग परी माँ मुहर सीआईटी तदंत को नहीं सन्देह ओडिशा घर पिला कहले निर्दोष आज कैबिनेट बैठक संध्या पांचटे मुख्यमंत्री को अध्यक्षतार विशेष जरिया बस मीटिंग विभिन्न गुरुत्वपूर्ण प्रसंग होपे आलोचना मंडी में चली डिलर को राज मन मुताबक रेट्रे बिक्री सह कटनी चटनी डील न राजी हेले खोला आकाश तले पड़ रोचे बस्ता संबलपुर कुचिंडे कांदुचे चाषे ड्रागनटा होबनी मोबाइल डिस्प्ले चीन को बाय कही भारत में सैमसंग नोएडा रे हेबो मोबाइल डिस्प्ले रा हब निवेश हेबो 4825 कोटी सृष्टि हेबो नियुक्ति एवं कुहुड़ी चादर उपकूल ओडिशा जनजीवन अस्तव्यस्त 16 तारीख जाए रहिबो घन कुहुड़ी 9 जिला को येलो वार्निंग जारी देखिबा संपूर्ण खबर नयागढ़ जाजपुर परे बालेश्वर खेलुवा समय पुणी जोड़े नाबालिका निखोज बालेश्वर बालियापाल थाना अंतर्गत सुंदरकोइली ग्रामर सात वर्ष नाबालिका निखोज निखोज नाबालिका गाँ बलराम पात्र सात वर्ष झी विष्णुप्रिया गत शुक्रवार ठार निखोज थे भी वर्तमान सुधा विष्णुप्रियार कौन से सन्धान मिलूना विष्णुप्रिया से ही गाँव मामू घरे रही पाठ पढ़ुते गत शुक्रवार दिन 9 समय सांग सहित खेलुवा समय विष्णुप्रिया कुआडे निखोज हो जाता परिवार लोके चारिआड़े खोजाखोजी करिबा परे मध्य कौनसी सन्धान मिलनथला या परे परिवार लोके बालियापाल थाना रे लिखित अभियोग करथिले पुलिस गांव को जाय तदंत करबा सह संदेह रे जने युवक को थाना को आनी पचरा उचरा जारी रखेछे संदेह घेर में परी हत्याकांड एसआईटी रा तदंत अभियोग को मानि नेबापाई अरुण बोथरा 5 लाख टंकार प्रलोभन देउथिबार अभियोग आनी जने छात्र ए अभियोग सत होते सांघातिक सेपटे परीर माँ एसआईटी उपरे भरोसा नथिबा कहिबा सह घटनार सीबीआई तदंत दाबी करछन्ते एसआईटी रा तदंत उपरे संदेह परीर माँ मुहरे एसआईटी प्रति संदेहर स्वर पड़िसा घर पुआ सरोज को जेरा प्रसंग परीर माँ कहते पिला निरीह परीर हत्याकांड सह तांकर संपर्क नथिबा तांकर मत भिन्न मोड़ देवाई एसआईटी करुछि कि षड़यंत्र विवाद घेर में एसआईटी मुख्य अरुण बोथ्रा जड़े छात्र सरोज सेठी को अभियोग मानवा को 5 लाख टंका जाचुछन्ति बोथ्रा सरोज घर परीर घर पाखरे सन्देह उठाई नहीं एसआईटी आउ एसआईटी मुख्य प्रलोभित करुवा सरोज अभियोग आनी परीर माँ भी कहते निरीह पिला फसाऊ एसआईटी मत पुलिस आसिक सर 2 तारीख आसिक नहीं मो मोबाइल भी जबत करते मो मोबाइल नुह नानी पुलिस नहीं कि मत सर्किट हाउस रखिले तापर खाइबाक भी देखते खाई देखिए पचारे से झील विषय जानी कि नहीं तार अनुभोत्रा सर मत कहले आर बाहर कर दे तू राजी हो जा पैसा मिल 5 लाख कहले ना ना एसआईटी रे तो पहुँची पार नहीं कहीं निर्दोष पिलाटा को भी तदंत घेर को नहीं गले कहीं दोषी आम जानसु ना कौन चाहूना कि निर्दोष फसाइप से चेषा करें चाहूँ सीबीआई तदंत हो निरपेक्ष भाव तदंत हो आप झील को न्याय मिले आ मंत्री निजे इस्तफा दिंतु आईटा एसपी आ जिलापाल भी कार्यानुषान ग्रहण कर कहीं सब जाणीशु कि भी अजना होकर रहीगले कि कार्यानुषान क्या बोले ने चाहते भी ए झील को आम झील दोषी की हत्या करें खोजिकी पाई कि चेष्टा कले ए बड़ प्रश्न 4.5 मास परी हत्या प्रमाण नष्ट कि परी माँ का अभियोग जो बस्तार परीर देहावशेष मिलता से बस्ता एवं बदल बदल अन्य बस्ता रखा जाए कैप्टेन मिश्र विधानसभा लिखित उत्तर रखिंट शरीर एत नष्ट हत्यार कारण जाणी हेबना दुष्कर्म हो ना प्रमाण करहबना ताने अंग चोरी भी प्रमाणित करहबना एपरी बयान प्रमाण नष्ट जवानबंदी नुहे किए बाबुली नायक और मंत्री अरुण साहू परी परिवार निशाना
मात्र पुलिस परीर बापा माँ बड़ बापा बड़ माँ कला पॉलीग्राफ टेस्ट बाबुली अरुण संपृक्ति ना परी परिवार द्वारा हत्यार बार्ता देउथला कि पुलिस परी बापा माँ को निर्यातना दे चुप कराइवा को नयागढ़ पुलिस करथिला कि षडयंत्र परीर बापा माँ न्याय पाई लड़े आगे आंठू माड़ी पड़ा कि राज्य सरकार परी परिवार को निर्यातना देथिबा आईआईसी रीना राणी एवं सस्पेंड एसडीपीओ निरंजन पाढ़ी को करा जाइछि बदली जदि आईआईसी एसडीपीओ दायी तेबे एसपी प्रत्युष दिवाकर संप्रक्ति नहीं कहीं सबु प्रमाण नष्ट एसआईटी रचनित नुआ षडयंत्र परी को दुष्कर्म करा जाइछि कि नहीं हत्या केमिति करागला तार वैज्ञानिक प्रमाण दरकार शरीर को नष्ट करबा को केमिकल व्यवहार सत ना मिछ कंकाल बदल केमिति रहिला केई खंड हाड़ पोखरी नुहे दस दिन पर किपरि से पोखरी हुड़ उधार है परी देहावशेष थिबा अखा दूर से केउठी अंग तस्करी करी शरीर को घर पाखरे पकाई दिया जाए नथिला तो तदंत को बाटबणा और प्रमाण नष्टर अनेक प्रमाण आज वितर्कित दीर्घ चार वर्ष हो गला मुझे गाँव को आसवर चार वर्ष भितर से पिला सहित मोर इंटराक्शन ना तार मध्य फीडबैक भी नौ थी सी के गाँव कौन पिला सहित मिसे ना से जाए कलेज रु आसे डायरेक्ट घरे रुहे भारी इनोसेंट पिलाटी माने सेमिति किछि तार माने इलीगल एक्टिविटी देखिबा किबा डिस्टर्बेंस करिबा का सहित गंडगोल करिबा से भला किछि मु केबे हेले देखि नै जदिओ वर्तमान आसीछि तदंत करिया पे एसआई टीम का मे विरोध करबु नै काहेकि से करू किंतु मु कहया कथा निर्दोषी के दोषी सजा न जाउ जो भले एंगल ले नबा कथा से एंगल ले नियंतु प्रकृत दोषी को बाहर करा जाउ परी को न्याय दरकार जे भी हो आततई आईन हाथरे बंधा हेबा दरकार मात्र पुलिस तो एसआईटी रो भूमिका को नै विश्वास बदल रे सृष्टि होइछे संदेह वैज्ञानिक प्रमाण आधार हो दोषी चिन्हट नयगढ़ कैमरा पर्सन आदित्यों सह शिवराम महापात्र रिपोर्ट अर्गस न्यूज। आज बस कैबिनेट बैठक संध्या पांचटा मुख्यमंत्री अध्यक्षतार वीडियो कॉन्फ्रेंस जरिया राज्य कैबिनेट बैठक बस आज मीटिंग रे विभिन्न गुरुत्वपूर्ण प्रसंग आलोचना सेपटे पाकिस्तान जेल में युद्ध बंदी भाव जीवन बिताऊ भद्रक जिला धामनगर ब्लॉक कल्याणी गाँव आनंद चंद्र पत्री को मुकला भद्रक सांसद मंजुलता मंडली उद्यम आरंभ करते एने सांसद एक सांबादिक सम्मेलन माध्यम सूचना देखते कल्याणी गाँव आनंद चंद्र पत्री 31 बेंगल रेजिमेंट जी कंपनी रे जी सैनिक भाव में कार्य करुले से प्रथम 1962 भारत चीन युद्ध और पर 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध में अंश ग्रहण करते ही दिन ठार पता मिलूनला पर से पाकिस्तान जेल पर लोक एक सरकारी विज्ञापन जानवाक पाई और मुकलाइबापी कोलकार विशिष्ट मानवाधिकार कर्मी उत्पल रॉय सहायतार मुख्यमंत्री और तत्कालीन वैदेशिक मंत्री को जड़ाई किंतु पाकिस्तान सरकार आनंद पत्री को युद्ध बंदी भाव मोकलाऊ ना तेणु यह खबर भद्रक सांसद जाणी पर मुख्यमंत्री और वर्तमान वैदेशिक मंत्री को चिठी लिखा सहित पूर्व आनंद को पाकिस्तान जेल मुकलाइबापी उद्यम कर जी आज जो संवाद सम्मेलन होमर एमपी के घरे किंतु मोर विशेष अनुरोध करता मंडल एवं आमर मुक्तिकांत मंडल जी आम विधायक जी धामनगर पूर्वतन एवं भद्रक मान जी आम विधायक संजीव मल्लिक एवं कलिकता स्वेच्छासेवी उत्पल राय ये मैंने प्रतिक्रमे जी मो बापा को यथाशीघ्र फेर अनुरोध और आशा जे फेर आनी पारे अच्छा परवर्ती खबर को अन्नदाता झाड़ भुआ धन को डिल शोषण जाल में बंधा चाषी जीवन राज्य में बारंबार विभिन्न मंडी अव्यवस्था कथा सामना को आसुचे चाषी को कम दाम रे बिक्री करने को बाध्य करा जाउचे बिक्री हेले भी कटनी छटनी करुछंती डिल आज देखिबा संबलपुर रिपोर्ट मंडी रे चलीछि डीलर करास खोला खोली लुटा जाउचे चाषी को स्थिति देखा सरकार को पाखरे समय ना दृश्य होचिंडार खोला आकाश तले पड़ी प्राय 2,56,000 धान बस्ता जमनकिरा ब्लक सुवर्णपाली मंडी में 30,000 धान बस्ता जमनकिरार 31,000 भोजपुर 26,000 और डुमेरमुंडा मंडी में पड़ी 27,000 धान बस्ता मिलर दाम रे राजी हेले चाषी धान बिक्री हो नहले सेमिति पड़ी रही नष्ट
मिलर मैंने आसुँ धान देखुं से तीन के जी चार के जी कोटिंग मगुं बोले आम आज्ञा चाषी छमास धरी चाष कर लुन बाड़ी कर पैसा पत्र जोगाड़ कर फिर आसिक मैंने कटनी छटनी करबे कटनी छटनी कले धान जीरो के जी देढ़ के जी हेल्ले गोटे सफा कथा था ए आज्ञा पूरा तीन के जी चार के जी लेखा मगुचन बोले चाषी देवाले नाराज होचन आमर एटी आज्ञा तीस हजार धान पड़ सर से न मिलर मैंने आसबारनी मनमानी करुचन केते बेले आसुचन दुईटा गाड़ी धरिकी केते बेले आसुचन गोटे गाड़ी धरिकी एंते जदि धान नेबे से माने 32,000 धान के केते दिन रे उठे सारबे इदि जे मेघवा पाक भी माड़ी आसुचे हाथी जीवार रास्ता अछि आज्ञा एटा केते बेले हाथी आसिकरी नि ढुकी जीवा भीतर के आमर तो किछि एंदा कोई नै है आ वर्षा भी केते बेले होइ गेले आज्ञा तिरपाल फिरपाल हेतकी व्यवस्था भी होइनि पारे जेतकी दूर धान पड़ी छे मंडी सबुआड़े देखुछन तो आमर चाषी मन बेसी क्षति हेबा एणु आणिकी प्रशासन जदि तार किछि व्यवस्था नहीं करे कि राज्य सरकार तर किसी व्यवस्था नहीं करन बोले हमार चाषी बहुत क्षतिग्रस्त हमु हमार धान मंडी रे धान बिक्री होची आ धान अधिका परसेंट बस्ता बस्ता हजार संख्या बस्तार धान पड़ी जाए कि धान एबे भी मिलर पहुँचुना कि धान भी ठीक से बिक्री हो पारुनी आउ अनेक चाषी रो एबे भी कार्ड भी पहुँची पारिनी जे कि जहाँकि चाषी बिकवार ले बहुत असुविधा पड़बे पचा असुविधा पड़े से काट कौन की करा जेबा कान करा जेबा से किछ आ भाबी नै हवा मिलर को कटनी छटनी रु निस्तार पाउनी चासी धान नै मंडी को पहुंचु छी हेले सेठु धान मिल को जिबा परे बदली जाउ छी स्थिति सहस क्विंटल धान विभिन्न आळो देखाई कटनी छटनी रो अभिजोग आसु छी संबलपुर चाउपुर रो चासी अरुण नायकंक कथा सुनंतु मिल रे 139 बस्ता धान बिक्री करथिले किंतु मिलर विभिन्न आलो देखाई 6 क्विंटल धान काटी देला जहाँ कुने अभिजोग करिछंती अरुण नायक बोले बेला मु जते बेला गोली से जा आगे गुटे मनसी आले आ से सैंपल कोले बोले बाला 14 तर उसे मनसी किछि ना कोले ताकु कोला कोला फैन गोले ताउ कोले तू जा ये करबो बोले बोले से धान बाहर कोले गुटे बाहर कोले कूड़े आ गुटे बाहर कोले 23 बोले बोले तहरु मु सनु पले आले ताकु कोली तुम एंता केंता काटुचो फल मिलुनी जाल तैयारी जो फसी जाता किंतु राज्य सरकार डीलर को ऊपर नजर रखा परिवर्ते प्रचार ऊपर अधिक ध्यान देउछे समलपुर मलय भोइंक सह कुचिंडारु सौम्यरंजन धळंग रिपोर्ट अर्गस न्यूज ओडिशा समेत देशव्यापी कृषि समावेश करिब बीजेपी कृषि आईन को नहीं विरोधी प्रचार करुथिबा भ्रम को दूर करिब जहाँ को दूर करने को भारतीय जनता पार्टी चाषी पाख को जाई बुझाइब देशर प्रति जिले में सांबादिक सम्मेलन सह कृषक सभा रे चाषी सीधा आलोचना करिब बीजेपी देशव्यापी कृषक समावेश करिब बीजेपी नुआ कृषि आईन विषय रे चाषी को भेटी बुझाइब दल कृषि आईन को नहीं चाषी मानक विभ्रांति करुछंदी कांग्रेस और वामपंथी दलर किसी न्यस्त स्वार्थ गोष्ठी चाषी पाखे बिल लाभ संपर्क कथा कह आईन द्वारा किभली चाषी आय द्विगुणित हो पार वन नेशन वन मार्केट द्वारा देश सारा जेकोसी मंडी में फसल बिक्री करी आत्मनिर्भर भारत योजन कृषक को कौन लाभ मिल ए तमाम प्रसंग को नहीं कृषि आईन उपकारिता संपर्क में चाषी को सचेतन करिबो बीजेपी से देशव्यापी 700 सांबादिक सम्मेलन करबू जिले में दल पक्ष प्रेस मीट करा बरगढ़ कटक बालेश्वर ढेंकानाल और जयपुर में कृषि समावेश करिबो बीजेपी कृषक मोर्चा ए आईन द्वारा देशर 70 भाग कृषक माने लाभान्वित होबाक जाउछंती बेनिफिट होबाक जाउछंती याकु सेमाने मध्य आगामी दिन में समर्थन करेंगे भारतीय जनता पार्टी लोकंक बुझाइबा प्रयास आरंभ करिछि मंडी चाल अभियान डाकरा दैछि समावेश डाकरा दिबो सबु जिल्ला रे सांबादिक सम्मेलन जरिया रे प्रकृत रे आईन रे कोन तथ्य अछि कृषक मानक पाखकु पठाइबो से व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी आरंभ करिछि से समावेश रे साधारण कृषक आसीबे एवं कृषि आईन को तांकु कृषि आईन विषय रे तर्जमा करा दिबो तांको पाखरे संपूर्ण तथ्य सेपटे कृषक आंदोलन को समर्थन करने को द्वंद्व बीजेडी कैबिनेट बैठक में स्वामीनाथन कमिटर प्रस्ताव को लागू करने को निष्पत्ति
ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼େଇ କରିବୁ। ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ଦଳ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୋଲି ବିଜେଡି କହିଛି। ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲା ଓ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ କୃଷକଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ କହିଛି। ତିନି ଦିନ ତଳେ କ୍ୟାବିନେଟରେ ସଂକଳ୍ପ ଆଗତ କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱାମୀନାଥନ କମିଶନର ଯାହା ସୁପାରିଶ ଅଛି ତାକୁ ଲାଗୁ କରାଯାଉ, ସେଥିପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ କୂଳର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ। କଂଗ୍ରେସ ଗାଁ ଗହଳିର ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ମଣ୍ଡିରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବ, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସହିତ ସାମିଲ ହେଇଛି ହବ, ସେମାନଙ୍କୁ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ କଥା କହି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରି ଦଳ ବଳ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବ। ଚାଷୀଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରାଯାଉଛି, ଫାଇଦା ଉଠାଇବାକୁ ବିରୋଧୀ କରୁଛନ୍ତି ଚକ୍ରାନ୍ତ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଚାଷୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ବିଜେପି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଅନ୍ୟପଟେ ପକ୍କା ଘରକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବିଜେପିର ଟାର୍ଗେଟ, ବିଜେଡି ପକ୍କା ଘର ନିର୍ମାଣରେ ପୁରସ୍କାରକୁ ନେଇ ଛାତି ଫଲାଉଛି। ଏହି ଦାବି ଓ ଅଭିଯୋଗ ଭିତରେ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ଗରିବ, ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥିତି ପରଖିଥିଲା ଅର୍ଗସ। ଆମେ ତ ଯେଉଁ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ପଡ଼ିଛୁ, ଯେଉଁ ଖରା ବରସା ଇଏ ଶୀତରେ ଯେଉଁ ଭାଗ କରୁଛୁ, ମାନେ ରୋଗ ହେଇଯାଉଛି, କିଛି ପାଇନୁ। ମୁଁ ଛୋଟ ହେଇକିରି ପଡ଼ିଲି, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିଲିନି କି ଆସିପାରିଲିନି। ଇଏ ବୁଟ୍ ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ସବୁ ଆସିବା ମୋତେ ଦେଖିବେ, ଆଉ ହଜାର ହଜାର କାଗଜ ମୁଁ ଦେଢ଼ଶହ କରିକି ଦେଲି, ମୁଁ କିଛି ପାଇଲିନି। ଆଉ କାହିଁ ସେ ଭଗବତୀ ଖିଆମାନେ ଆସିବେ, ଆଇଲେ ଖାଲି ବାଡ଼େଇବି ସେ ଠାକୁରାଣୀ ଖିଆମାନଙ୍କୁ। ଶୁଣିଲେ ତ, ଏ ହେଉଛି ରିଆଲିଟି। ରାଜ୍ୟରେ କିଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ପକ୍କା ଘର, ତାର ଏ ଅସଲ ଚିତ୍ର। ଏ ପୁଞ୍ଜିଭୂତ ଅସନ୍ତୋଷ ବର୍ଷ ବର୍ଷର। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ରିଆଲିଟି ଚେକ୍ କରିଥିଲା ଅର୍ଗସ। ପ୍ରଥମେ ପକ୍କା ଘରକୁ ନେଇ ବିଜେପି ବିଜେଡି ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ବିଜେପି ପ୍ରଭାରୀ ପକ୍କା ଘର ମରିଚେକାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ବିଜେଡି କହୁଛି ପକ୍କା ଘର ନିର୍ମାଣରେ ମିଳିଛି ପୁରସ୍କାର, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର କଥା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଜନତା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ପୁରୀ, କୋରାପୁଟ, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଅର୍ଗସ ପ୍ରତିନିଧି ବୁଝିଥିଲେ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ। କ'ଣ କରିବି ବାପା, ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ମୁଁ ପୁଅ ସମାନରେ, ଆପଣଙ୍କ ମା ଯେମିତି ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମିତି ଜଣେ ମା, ଆପଣ ଆସି ନିଜେ ଦେଖିକି ଯେ ମୁଁ କି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ତହସିଲକି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି, କଲେକ୍ଟର ଅଫିସକି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି, ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖକୁ ମାସାଇ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି, ମୋର ଜୀବନ ଗଲା, ମୋ କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ମୋତେ ଆହୁରି ଖେସା କରିବେ, କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରିବେ, ମୁଁ ଗଲି। କ'ଣ କହିବି ବାପା, ମୋର ଘର ମୋର ଘର ଲାଗେ, ମୁଁ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଶୁଆଉଛି ଗୁହାଳରେ, ଘର ଦୁଆର ଲାଗିଲା କିଛି ଲାଗୁ, ମୋତେ କେହି ଖାଇବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ନା କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। 2014 ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାରରେ ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଥିଲା 2019 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, 19 ଯାଇ 20 ହେଲାଣି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି ଘର। ସ୍ଲୋଗାନ ଥିଲା ବାତ୍ୟାକୁ ନାହିଁ ଡର, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର। ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ ବି କହୁଛି 27 ଲକ୍ଷ ଘର ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। ଯଦି ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ପକ୍କା ଘର, ତାହେଲେ ଅତି ଗରିବ ଲୋକେ କାହିଁକି ପାଇନାହାନ୍ତି ଘର? 2014 ମେ ଉନ୍ହୋନେ ବାଦା କିଆ ଥା, ଫିର 2019 ମେ ଜବ ଚୁନାବ ହୁଆ, ଉସୀ ବାଦେ କେ ସାଥ ଆଗେ ଆଏ କି ଅବ ଜୋ କଚ୍ଚେ ଘର ହୈ ଉନ ସବକୋ ହମ ପକ୍କା କରାଏଙ୍ଗେ। अब भी कहते हैं कि कच्चे घर को हम पक्के घर में बदल देंगे, पर ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 2 लाख घर अब भी बनानी है, अब भी बनानी है। ये कैसे सुशासन होगा, ये कुशासन है। कौन सी गरीब लोगों को पाउना हिताधिकारी मैंने की पाउना बड़ बढ़िया लोक जो मान दोतला तीन तला घर अच्छे पाउन से गले हाँ हेबा हेबा बोलु कण कह कि हेबार नहीं राशन कार्ड भी हमारे नहीं हेबार ଏ ସବୁ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହିଁକି ଫୋନି ପରେ 5 ଲକ୍ଷ ଘର ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଥିଲେ ସରକାର? କାହିଁକି 12 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପକ୍କା ଘର ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ଯୋଜନା? ଦଳୀୟ ଆଧାରରେ ଧନୀମାନେ ହଡ଼ପ କରୁଛନ୍ତି କି ଘର? କେଉଁ ଆଧାରରେ ଦିଆଯାଉଛି ପକ୍କା ଘର? କାହିଁକି ଥିଲା ବାଲାକୁ ହଁ, ନଥିଲା ବାଲାକୁ ନା?
ଦଶ ବାର ବର୍ଷ ହେଲା ହେଲେ କି ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଏ ମଝିରେ ମଧ୍ୟ ନୀଳକଣ୍ଠ ଶବର ଥିଲି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ବିନା ପଇସାରେ ବିନା ଇଏରେ ସେମାନେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ବୁଝିଲେକି। ଆସିବା ପଇସା ମଧ୍ୟ ଗାଇବ ହେଇଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଛନ୍ତି? ହଁ ଆଜ୍ଞା। ଜରି ନାହିଁ ଫରି ନାହିଁ ମୋତେ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତିନି ଚାରି ଥର ତହସିଲ ଅଫିସ୍ ଗଲି, ଆଜି ଆର୍ ଆଇ ନାହିଁ, ତହସିଲଦାର ନାହିଁ, କ୍ଲାର୍କ ନାହିଁ, କିଏ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ପାଇବନି ବୋଲିକିରି କହିଲି। ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି, ଜରି ଫରି ବି ମୋତେ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ପିଓ ସାର୍ ଦୁଇଥର ଆସିକି ଦେଖିକରି ଗଲେ, ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠାଇ ନେଲେ। ସେ ବାବୁଲି ସେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର୍ ଏକା ମୋର ପାଇଁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରି ଲାଗିଛନ୍ତି। ଘର ଦର ଭାଙ୍ଗି ଫସିଲେ ତା ପାଖକୁ ମୁଁ ଧାଉଛି। ଦଶ ଥରକୁ ଚାଳ ଘର ଥିଲା, ଚାଳ ଘର ଫୁଣି ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଲା, ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ବେଶ ପାଲ କୁଡ଼ିଆରେ ମୁଁ ରହିଲି। କୁଡ଼ିଆରେ ରହିବା ପରେ ମୋ ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ମୋ ସୁବିଧା ସାଙ୍ଗୁଡ଼ା ନହେବା ହେତୁ କିନ୍ତୁ ଘର ତୋଳିପାରିଲିନି। ପିଲାପିଲି ସହ ସବୁ ଘର ଭଙ୍ଗା ଦେଖି କିନ୍ତୁ ବାପ ଘରକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସରକାର କୌଣସି ସହାୟତା ମୁଁ ପାଇପାରୁନି। କହିଲେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ତୋଳା ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଠିକି ଫେରିବି ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଚାରର ଗୋଲାପୀ ଦୁନିଆରେ ପୁରସ୍କାର ମିଳୁଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ବି ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ଡ୍ରାଗନ୍ର ହେବନି ମୋବାଇଲ୍ ଡିସ୍ପ୍ଲେ, ଚୀନ୍କୁ ବାଏ କହି ଭାରତରେ ସାମସଙ୍ଗ, ନୋଏଡ଼ାରେ ହେବ ମୋବାଇଲ୍ ଡିସ୍ପ୍ଲେର ହବ୍। ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ନାମୀଦାମୀ କମ୍ପାନୀ ସାମସଙ୍ଗ ନିଜର ମୋବାଇଲ୍ ଏବଂ ଡିସ୍ପ୍ଲେ ୟୁନିଟ୍କୁ ଚୀନ୍ରୁ ଭାରତକୁ ସିଫ୍ଟ କରିବ। ନିବେଶ ହେବ 4,825 କୋଟି ଟଙ୍କା, ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନିଯୁକ୍ତି। ଡ୍ରାଗନ୍ର ହେବନି ମୋବାଇଲ୍ ଡିସ୍ପ୍ଲେ, ଚୀନ୍କୁ ବାଏ କହି ଭାରତରେ ସାମସଙ୍ଗ, ନୋଏଡ଼ା ହେବ ମୋବାଇଲ୍ର ଡିସ୍ପ୍ଲେ ହବ୍। ବେଜିଂରୁ ନୋଏଡ଼ାକୁ ସିଫ୍ଟ ହେବ ଡିସ୍ପ୍ଲେ ୟୁନିଟ୍, ନିବେଶ ହେବ 4,825 କୋଟି, ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନିଯୁକ୍ତି। ମହାମାରୀ କରୋନା ଏବଂ ନିଜର ବିସ୍ତାରବାଦୀ ନୀତି ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ହେଉଥିବା ଚୀନ୍କୁ ଆଉ ଏକ ଆର୍ଥିକ ଚୋଟ। ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ନାମୀଦାମୀ କମ୍ପାନୀ ସାମସଙ୍ଗ ନିଜର ମୋବାଇଲ୍ ଏବଂ ଡିସ୍ପ୍ଲେ ୟୁନିଟ୍କୁ ଚୀନ୍ରୁ ଭାରତକୁ ସିଫ୍ଟ କରିବ। ଏହି ୟୁନିଟ୍ ନୋଏଡ଼ାରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସାମସଙ୍ଗର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତ ତୃତୀୟ ଦେଶ ହେବ ଯେଉଁଠାରେ ଏପରି ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଏଥିପାଇଁ 4,825 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ହେବ। ଏହି ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ 510 ଜଣଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ମିଳିବ। ଏହାସହ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ। ସାମସଙ୍ଗ ଦୁନିଆରେ ଟିଭି, ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍, ଟ୍ୟାବ୍ଲେଟ୍ ଏବଂ ଘଣ୍ଟାର ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ବେଳେ 70%ରୁ ଅଧିକ ଡିସ୍ପ୍ଲେ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାଏ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ନୋଏଡ଼ାରେ ସାମସଙ୍ଗର ଏକ ମୋବାଇଲ୍ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ୟୁନିଟ୍ ରହିଛି, ଯାହାକୁ 2018 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏବେ ସାମସଙ୍ଗର ଡିସ୍ପ୍ଲେ ୟୁନିଟ୍ ନୋଏଡ଼ାରେ ସ୍ଥାପନ ହେବା ପରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ କୂଟନୀତିର ଆଉ ଏକ ଉପଲବ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। କୁହୁଡ଼ି ଚାଦର ତଳେ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇ ରହିଛି ଉପକୂଳ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା। ରାତି ପ୍ରାୟ 10:00 ସକାଳ 8:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ଆସ୍ତରଣ ଜଗତସିଂହପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ନୟାଗଡ଼ ଓ କନ୍ଧମାଳ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରି ରଖୁଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏଭଳି କୁହୁଡ଼ି ଆସ୍ତରଣରେ ରହିଛି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା। ଏଥିସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଫୁଲବାଣୀ, ନୟାଗଡ଼, କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରିରେ ବି କୁହୁଡ଼ି ରହିଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ରହିଥିବା ଗୁରୁଚା ବଳୟ ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା, ମାଲକାନଗିରି ଓ କୋରାପୁଟ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। 15-16 ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକା କୁହୁଡ଼ିର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତେବେ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ୁଛି, ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତର ପ୍ରଭାବ ଏବେ କମ୍ ରହିଛି। ସମସ୍ତ ସରୁଛି ବ୍ଲଟୁଙ୍ଗେ ରଖିବା, ଅଧିକ ପାଇଁ ଆପଣ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ନମସ୍କାର।